Hello everybody, I hope you all are well and safe at your home. This is Kirandeep Kaur and today we are going to start with the very first chapter of our English Flamingo, that is the last lesson. Aur is lesson mein main aapko line by line translation karke dikhaungi. And in the end of this chapter we will discuss some of the important questions jo previous year exams mein puche gaye hain. So the story last lesson is written by Alphonse Daudet. It's quite interesting story and it is written at the time when Germany and France were at war. As a consequence, France lost to the hands of Germany. So the German government decided that no French language will be taught in France and people will learn only German languages. तो लोगों की क्या फीलिंग होती है ये ऑर्डर सुन के, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ये चैप्टर, ये सारी स्टोरी जो है ये एक छोटा सा बच्चा नरेट करता है एंड ही इज़ ट्राइंग टू शो हिज इमोशंस, हिज फीलिंग्स टूवर्ड्स हिज फ्रेंच टीचर एम हैमल. सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of a scolding. तो narrator कहता है कि उस सुबह मैं school के लिए थोड़ा late हो गया और मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि मुझे आज school में पक्का डांट पड़ेगी. dread का मतलब होता है डरना and scolding means डांट. especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. क्यों उसको डर था डांट का? क्योंकि M. Hamel ने उसको homework दिया था कि he will ask questions on participles, ki questions puchhenge sir participles ke upar. Participles kya hai? It is a part of English grammar, thode rules hote hain basic. And I did not know the first word about them. Aur wo narrator jo hai wo ye kehta hai ki mujhe to participles ke bare mein kuch pata hi nahi tha. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. So narrator bolta hai ki ek movement mein to main yahi bhi sochta hu ki kyun na school ko bunk kar dun aur apna sara दिन जो है वो बाहर स्पेंड करूं. इट वॉज सो वॉर्म, सो ब्राइट. नाउ अब नरेटर इसमें वेदर कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो डे था इट वॉज वॉर्म एंड ब्राइट. द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. चिरपिंग होता है बर्ड्स का चहचहाना. कहते कि जो पक्षी थे वो टहनियों के एजिस पे बैठ के चहचहा रहे थे. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्शियन शोल्जर्स वर ड्रिलिंग. और सॉ मिल के जो बैक साइड पे ओपन फील्ड था. सॉ मिल क्या है? ये एक फैक्ट्री होती है, सॉ मिल फैक्ट्री को बोलते हैं, जहाँ पे वुड को गैदर करते हैं, लकड़ी को गैदर करते हैं. तो नरेटर कहता है कि सॉ मिल के जो बैक साइड पे फील्ड था वहाँ पे पर्शियन शोल्जर्स देवर प्रैक्टिसिंग. इट वॉज ऑल मच मोर टैम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. टैम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिंग, कि ये जो था पर्शियन शोल्जर्स को ड्रिलिंग करते हुए देखना ये ज़्यादा अट्रैक्टिव था एज़ कम्पेयर टू द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. लेकिन नरेटर बोलता है कि उस टेम्प्टिंग सीन को छोड़ के स्कूल जाने की स्ट्रेंथ जो थी वो मुझ में थी. दैट मीन्स कि आई यूज्ड माई विल पावर टू रिसिस्ट दैट टेम्प्टिंग सीन एंड आई हरीड टू द स्कूल. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. तो narrator बोलता है कि जैसे जब वो स्कूल जा रहा था, जैसे ही वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है, टाउन हॉल क्या एक बिल्डिंग है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठते हैं. तो जैसे ही narrator टाउन हॉल से गुजरता है वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के पास काफ़ी लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हुए हैं. फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. नरेटर बोल रहा है कि पिछले दो सालों से जितनी भी बुरी खबरें हैं वो सारी उस बुलेटिन बोर्ड के थ्रू ही आई हैं. जैसे कि द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट. ड्राफ्ट होता है जब एक कंपलसरी मिलिट्री सर्विस को बोलते हैं, एक रिटर्न ऑर्डर होता है जिसमें होता क्या है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से हार रही होती है ना, तो उस कंट्री की गवर्नमेंट अपने सिविलियंस को फोर्स करती है टू प्रोवाइड मिलिट्री सर्विस. ठीक है, तो उसको बोलते हैं ड्राफ्ट. द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, किसी कमांडिंग ऑफिसर का कोई ऑर्डर है वो भी उस बुलेटिन बोर्ड के थ्रू ही आता था. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग
व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और नरेटर जो है बिना रुके हुए अपने दिमाग में ये सोचता है कि अब ऐसा क्या हो गया, इतनी भीड़ लगी हुई है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। नरेटर कहता है कि जैसे वो स्कूल के लिए भाग रहा था, ब्लैक स्मिथ जिसका नाम था वॉचर, जो अपने एक अप्रेंटिस के साथ, अप्रेंटिस अगर मैं नॉर्मल वर्ड में आपको बताऊं तो चेला, हु इज़ लर्निंग न्यू स्किल्स, तो ब्लैक स्मिथ अपने चेले के साथ बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ जो नोटिस है वो रीड कर रहा था। उस ब्लैक स्मिथ ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई और क्या बोला, डू नॉट गो सो फास्ट बब। बब का मतलब होता है ना जैसे हम बोलते हैं किसी को बेटा, तो ही सेइंग इतना इतना तेज़ मत जाओ बेटा, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम स्कूल जो है बड़े आराम से पहुंच जाओगे, इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। तो नरेटर ने सोचा कि शायद ये मेरा मजाक बना रहे हैं, एंड ही इग्नोर्ड देम एंड फाइनली वो भागता हुआ एम हैमल के लिटिल गार्डन में पहुँच गया और उसकी जो है सांसें फूली हुई थी। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है सांस का फूलना। द रीज़न इज़ वो स्कूल के लिए भाग के जा रहा है तो ही इज़ आउट ऑफ ब्रेथ। एम हैमल्स लिटिल गार्डन पहले क्या होता था कि पहले क्लासरूम के साथ छोटे छोटे गार्डन्स होते थे, तो ही इज़ टॉकिंग अबाउट दोज गार्डन्स। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल। नरेटर बोलता है कि आमतौर पे जब भी स्कूल स्टार्ट होता है तो देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, बस्टल मीन्स शोर शराबा, कि बहुत शोर रहता है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और वो जो शोर है वो गली तक सुनाई दे रहा होता है। और शोर किस चीज़ का होता है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मतलब बच्चे फर्नीचर सेट कर रहे होते हैं, उनकी आवाज़, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, इसका मतलब है जैसे छोटे बच्चों को जब टीचर्स टीच करते हैं और बोलते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो बच्चे जो हैं एक ही टोन में टीचर के पीछे वो सेम वर्ड्स रिपीट करते हैं, उसको बोलते हैं लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से, विद आर ईयर, विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। कहते कि उस शोर को, उस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए कुछ बच्चे कानों पे हाथ रख के अपने सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ इस लाइन का मतलब ये है कि कुछ लोग जो है वो न्यूसेंस क्रिएट करने में बिजी हैं, एंड सम जो है वो स्टडी करने में बिजी हैं, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और अब इस न्यूसेंस को कंट्रोल करने के लिए जो टीचर का रूलर है, रूलर यहाँ पे मतलब स्टिक है, टीचर क्या करते हैं अपने रूलर को टेबल पे हार्डली स्ट्राइक करते हैं। रैप का मतलब होता है किसी चीज़ को हार्डली हिट करना। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन जो आज की सुबह है, आज की मॉर्निंग है, उसमें थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है, इट एवरी थिंग इज़ सो स्टिल, सब कुछ बहुत शांत है, स्टिल है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। तो काउंटेड ऑन का मतलब होता है जैसे मैं अगर बोलूँ कि आई काउंटेड ऑन यू, दैट मीन्स कि आई ट्रस्ट यू। कमोशन का मतलब होता है शोर शराबे को ही लगा लो बोलते हैं। तो नरेटर बोल रहा है कि मुझे तो ये था कि शोर शराबा होगा स्कूल में और मैं आराम से बिना नोटिस हुए अपने टेबल पे जाके बैठ जाऊँगा। ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन नरेटर बोलता है हाँ ऑफकोर्स, आज का दिन तो ऐसा था जैसे संडे मॉर्निंग हो, इतनी साइलेंस थी स्कूल में। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। कहता कि मैंने विंडो से पीप करके देखा, विंडो से देखा कि जो मेरे क्लासमेट्स हैं वो ऑलरेडी अपनी सीट्स पर बैठे हुए हैं, एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो टीचर हैं मिस्टर एम हैमल, वो अपने रूलर को, अपने स्टिक को लिए हुए क्लास में बैक एंड फोर्थ जो है वॉक कर रहे हैं। I had to open the door and go in before everybody. और narrator बोलता है कि अब मुझे finally door को खोल के सबके सामने class में enter होना पड़ता है। You can imagine how I blushed and how terrified I was. तो narrator बोलता है कि आप imagine कर सकते हो कि मैं कितना डरा हुआ हूँगा और कैसे I was feeling,
एम्बेरस्ड, क्योंकि होता क्या है जनरली जब क्लास में सब लोग बड़े सीरियस होकर बैठे होते हैं एंड टीचर इज़ इन द क्लास और सडनली एक लेट कमर एंटर करता है तो एवरीबडी स्टेयर एट हिम, सब उसको घूर घूर के देखते हैं. तो ये नेचुरल है दैट द वन हु इज़ एंटरिंग द क्लास विल डेफिनेटली फील लिटिल बिट एम्बेरस्ड एंड द सेम थिंग इज़ विद द नरेटर. बट नथिंग हैपेंड. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place, little friends. We were beginning without you." लेकिन नरेटर कहता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं. जितना मैं डर रहा था, जितना मैं डरा हुआ था कि टीचर्स डांटेंगे मुझे, मैं लेट आया हूँ या कुछ भी, जिसकी वजह से उसको डर लग रहा था स्कूल जाने में, कहता वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं. M. Hamel saw me. M. Hamel ने मुझे देखा एंड उसने बहुत ही जेंटल टोन में बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, कि जल्दी से अपनी प्लेस पे चले जाओ लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. तो नरेटर बोलता है कि मैं भाग के अपने टेबल की तरफ गया एंड आई टुक माई सीट. जम्प्ड ओवर का यहाँ पर मतलब ये नहीं कि उसने एक्चुअल में जम्प किया, हेयर इट मीन्स कि ही रश टूवर्ड्स हिज सीट. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. तो नरेटर बोलता है कि जैसे ही मैंने अपने डर पे थोड़ा काबू किया, दैट मीन्स जैसे ही वो रिलैक्स हुआ, तो उसने नोटिस किया कि वो जो टीचर है नरेटर का, ही इज़ वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, एक सुंदर सा ग्रीन कोट पहना हुआ है. His frilled shirt, एक frilled shirt है, frilled shirt is a old fashioned shirt, you can google it, and the little black silk cap, और एक छोटी सी black silk की cap पहनी हुई है, all embroidered, और उसके ऊपर work हुआ हुआ है, that he never wore except on inspections and prize days. तो narrator बोलता है कि ऐसी dress जो है, ऐसा जो getup है, generally M. Hamel नहीं पहनते, वो ऐसी look तभी रखते हैं जब या तो स्कूल में इंस्पेक्शन आनी होती है चेकिंग के लिए या फिर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है. तो ये लाइंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं. इसमें पूछा जा सकता है कि टीचर की लुक कैसी थी, व्हाट ही वाज वेयरिंग, हाउ ही वाज लुकिंग, सो नोटेड डाउन. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम. कहते कि स्कूल जो है वो बहुत स्ट्रेंज सा एनवायरनमेंट था, स्कूल का काफ़ी सीरियसनेस जो थी वो फैली हुई थी सारे एनवायरनमेंट में. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आरसेल्स. कहता लेकिन जो सबसे स्ट्रेंज मेरे को बात लगी वो ये थी कि जो क्लास के बैक बेंचेस थे जो हमेशा खाली रहते थे, आज उन टेबल्स पे कुछ लोग बैठे थे, कुछ विलेज पीपल बैठे थे बिल्कुल चुपचाप, जैसे स्टूडेंट्स बैठते हैं रेगुलरली क्लास में. और कौन कौन था? ओल्ड हॉजर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड. तो उन लोगों में से ओल्ड हॉजर था जिसने थ्री कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई थी, रिटायर्ड मेयर, पोस्टमास्टर और ऐसे ही और लोग बैठे थे. Everybody looked sad, और हर एक के चेहरे पे निराशा थी. And Hauser had brought an old primer, और जो Hauser है वो अपने साथ एक old primer लेके आया था. Old primer होते हैं एक, लगा लो एक book जिसके ऊपर किसी subject के basic rules लिखे होते हैं. Thumbed at the edges होते हैं जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा use करते हैं तो वो corner से ख़राब हो जाती है, घिसपिट जाती है. तो that Hauser was carrying that old primer which was thumped at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. तो वो जो Hauser है उसके पास वो बुक थी, पुरानी बुक थी जो उसने अपने घुटनों पे खोली हुई थी और उसकी जो स्पेक्स थी वो बुक के ऊपर पड़ी थी. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine." तो कहते कि जैसे ही मैं इन चीज़ों पर सोच रहा था,
एम हैमल ने अपनी चेयर ली, अपनी चेयर पे बैठे और उन्होंने उस सेम जेंटल काइंड टोन में हमें एड्रेस किया। कौन किस टोन में? जो स्टार्टिंग में फ्रेंड्स को ग्रीट किया था सर ने जिस टोन पे, सेम वही जेंटल टोन से अब सर जो है वो जो क्लासरूम में बैठे लोग हैं उनको एड्रेस करते हैं। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। क्योंकि बर्लिन, जो कि आज के प्रेजेंट डेट में जर्मन की कैपिटल है, बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि एल्सेस और लॉरेन में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही टीच की जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपके जो नए टीचर हैं वो कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और आज आपका ये फ्रेंच का लास्ट लेसन है। दैट मीन्स इसके बाद आप कभी भी फ्रेंच नहीं पढ़ोगे। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप बड़े ही ध्यान से, बड़े अटेंटिव होके मुझे सुनो। वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। तो नरेटर बोलता है कि ये वर्ड्स जो थे कि आपका लास्ट लेसन है, आज के बाद आप कभी फ्रेंच नहीं पढ़ोगे, ये वर्ड मेरे कानों में ऐसे लगे मानो बिजली गरजे, इतने इतने ज़ोर से उन वर्ड्स का इफ़ेक्ट हुआ। ओह द रेचेज, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो नरेटर बोलता है ओह वो पुअर लोग जो टाउन हॉल के पास इकट्ठे हुए थे, क्या वो यही न्यूज़ रीड कर रहे थे? माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, मेरा आज लास्ट फ्रेंच लेसन है क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो ढंग से लिखना भी नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, दैट मीन्स कि मैं आज के बाद कभी नहीं पढ़ूंगा इसको। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मतलब अब फ्रेंच को पढ़ना मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। वो हाउ सॉरी, यहाँ पे सॉरी का मतलब है कि उसको अब रिग्रेट फील हो रहा है कि वाई ही वॉज नॉट सीरियस फॉर हिज लेसन्स, वाई ही वॉज नॉट सीरियस टूवर्ड्स हिज स्टडीज, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। तो अब वो पछता रहा है कि क्यों उसने अपने स्टडीज़ को सीरियस नहीं लिया, क्यों वो बर्ड्स के एग्स के पीछे भागता था, क्यों वो सार्स में स्लाइड करने के लिए जाता था। सार इज़ अ प्लेस इन जर्मन वेयर पीपल गो फॉर स्लाइडिंग। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, मेरी वो बुक्स जो कुछ ही टाइम पहले मुझे अनॉइंग लग रही थी, मुझे परेशान कर रही थी, सो हैवी टू कैरी, मुझे उठाने उनको उठाने में मुझे वो हैवी लग रही थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडेंट गिव अप। कहते हैं वो बुक्स जो एक टाइम पे मुझे न्यूसेंस लग रही थी, हैवी लग रही थी, वो मेरी ग्रामर की बुक, मेरी हिस्ट्री की बुक, अब वो मुझे कैसे लग रहे हैं? अब वो मुझे मेरे वो पुराने दोस्तों के जैसे लग रहे हैं जिनको मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता। एंड एम हैमल टू, और कहता कि एम हैमल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कहते ये सोच के कि एम हैमल हमें छोड़ के जा रहे हैं, ये जो आइडिया था दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं अब उनको कभी भी दोबारा नहीं देखूँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। सो उस थॉट ने सर के जो नेचर के बारे में, सर के वो जो स्टिक है, सब कुछ भुला दिया उन चीज़ों के बारे में, दैट ही वॉज स्ट्रिक्ट या वो बच्चों के ऊपर डंडा यूज़ करते थे, इन चीज़ों के बारे में मैं एकदम से भूल गया। एंड नाउ आई स्टार्टेड लाइकिंग हिम, ही इज़ शोइंग हिज इमोशंस टूवर्ड हिज टीचर। पुअर मैन, इट वॉज एन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। तो वो नरेटर बोलता है कि अच्छा, तो ये बेचारे सर वो आज इसलिए अपने, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्लॉथ्स में हैं, बिकॉज ही इज़ हेयर टू से अस गुड बाय, टू बिड अस फेयरवेल। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, दीज लाइन्स आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट, मार्क इट डाउन। अब नरेटर को रीज़न पता चलता है कि वाई विलेजेस वर गैदर्ड इन द क्लासरूम। तो आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई द विलेज पीपल वर सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास। द रीज़न इज़ दे ऑल हैव गैदर्ड टू पे their tribute to the master for his 40 years of faithful service. ठीक है, why the old man of the village were sitting there in the back of the room. तो narrator बोलता है कि अब मुझे पता चलता है कि क्यों
विलेजर्स क्लासरूम में बैठे हैं. इट वॉज़ बिकॉज दे वर सॉरी टू. वो क्यों बैठे हैं? बिकॉज उनको भी इस चीज़ का पछतावा है दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो भी ज़्यादा स्कूल नहीं गए, ज़्यादा पढ़ क्यों नहीं पाए. इन बात का उस इस बात का उनको रिग्रेट है. इट वॉज़ देयर वे ऑफ थैंकिंग आर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस. कहते ये उनका एक तरीका है अपने मास्टर को थैंक्स बोलने का फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस.